वक्त के साथ मैं सनम को जानने लगा। उसके अंदर की छुपी उस लड़की को जानने लगा जो बहुत खूबसूरत। मासूम है, इंडिपेंडेंट है, जिसकी सिंपल सी चाहते हैं, सिंपल से सपने, जिसे सही और गलत सबकी पहचान है। और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या, लोगों पे अपना प्यार लुटाते हुए बिल्कुल नहीं सोचते। सोने से दिल है उसका, ना चाहते हुए भी उसके करीब आता गया और पता ही नहीं चला कि मोहब्बत कब हो गई। बहुत सुना है कि इश्क ऐसा होता है, इश्क वैसा होता है। इश्क पर किसी का जोर नहीं, सुना था पर माना कभी नहीं। आज मानता हूं, लोगों ने सही कहा, इश्क पर किसी का जोर नहीं। सर वकील साहब, आप पेपर्स जल्दी तैयार कीजिए, बिकॉज मैं और मेरी जान, मेरी बेगम जान, हम दोनों एक वेकेशन पर जा रहे हैं, अ लॉन्ग ड्यू हनीमून। और कुछ पूछना हो, कोई डाउट्स वकील साहब? नो नो, इट्स ओके, इट्स माय मिस्टेक, सॉरी। अम्मी, अगर आपकी इजाजत हो तो सनम और मैं डिनर कमरे में ही करें। बिल्कुल बेटा, जाओ। शुक्रिया, आइए चले। वकील साहब, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए ना? कुछ ऐसा तो नहीं जो आपको अभी भी पूछना बाकी हो? आपके कुछ सवाल जवाब? माफ कीजिएगा, मैं सुनी सुनाई बातों में आ गया। I'm sorry, मैं पेपर्स तैयार करवाता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या बात है, क्या प्यार है दोनों में, क्या प्यार।
इतनी तो अकल होगी तुम्हें कि बाहर जो कुछ हो वो एक नाटक था और आज के बाद तुम यहां इस कमरे में सोओगी, अपने कमरे में नहीं। वैसे भी बहुत सवाल उठ चुके हैं इस निकाह को लेकर। मानता हूं कि निकाह बेमानी है, लेकिन हमें इसके वजूद को जिंदा रखना होगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? इसीलिए सब नाटक किया मैंने। और एक और बात, मैं भले ही कितने नाटक कर लूं, लेकिन तुम अपनी औकात बिल्कुल मत भूलना। इज दैट क्लियर? बेफिक्र रहिए, अपनी औकात नहीं भूलूंगी मैं। और मुझे ये भी पता है कि मेरी हदें क्या हैं। आपका अगर ये ड्रामा बंद हो गया हो तो आप मेरे रास्ते से हटेंगे, क्योंकि वकील साहब जा चुके होंगे, मुझे अपने कमरे में सोने के लिए जाना है। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जब तक ये सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं होता, तुम यहां इसी कमरे में मेरे साथ सोओगी। डू यू अंडरस्टैंड दैट? इज दैट क्लियर? अब मैं सोने जा रहा हूं, अपना ये ड्रामा बंद करो। ओके? ये सब क्या है अम्मी? आपने तो कहा था कि इस निकाह का कोई मतलब नहीं है, कि कुछ दिन का दिखावा है। हाँ बेटा, वही तो है। लेकिन अम्मी, सनम आहिल भाई के साथ उनके कमरे में। हाँ तो इसमें क्या हुआ? अरे निकाह के बाद बीवी अपने शौहर के कमरे में नहीं रहेगी तो और कहाँ रहेगी? देखो रेहा, अगर आहिल और सनम एक कमरे में नहीं रहेंगे तो इस निकाह को निकाह कौन मानेगा? जैसे ये निकाह एक दिखावा है, वैसे ही सनम का आहिल के कमरे में एक साथ रहना दिखावा है, समझे? लेकिन अम्मी, क्या रेहान, तुम इस बात को लेकर इतना परेशान क्यों हो रहे हो? इतना सब क्यों सोच रहे हो रेहान? बेटा अपनी अम्मी की बात पर यकीन करो, हम जो कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे। ये निकाह सिर्फ 3 महीने के लिए है, और 3 महीने तो यूं निकल जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद सनम आहिल की बीवी नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, हमारी बहू जरूर रहेगी, क्योंकि हम तुम्हारा निकाह सनम से जो करवा देंगे, है ना बेटा? अब तो खुश? अच्छा देखो बेटा, अब हम बहुत थक गए हैं, थोड़ा आराम करना चाहते हैं। जाओ तुम भी सो जा, शहरी के लिए जल्दी भी तो उठना है ना। ठीक है, चलो गुड नाइट। मैं कहाँ सोऊंगी? इस कमरे में एक ही बेड है और कोई सोफा नहीं है, मैं क्या करूं? मैं जानता हूं यहाँ पर सोफा भी नहीं है और सिर्फ एक ही बेड है। सोना है तो चुपचाप उस बेड पर सो जाओ, और याद रहे मुंह वो साइड करना। We'll be right back.
प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? चुपचाप सो नहीं सकती? तो बिस्तर पर डांस करना जरूरी है? चुपचाप नहीं सो सकती? चुपचाप सो जाओ, स्टॉप टॉसिंग एंड टर्निंग, और सोने दो मुझे। सहरी के लिए वक्त पे आ जाइएगा। हाँ शुएब, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बात कर लूंगी। हाँ शुएब, आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिए, मैं मौका मिलते ही सब ठीक कर दूंगी। मैं भी आपको बहुत याद करती हूँ शुएब। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। जी। अरे राहत, तुम कब आए? तुम्हें मेरा नोट तो मिल गया था ना? हाँ, मिल गया था। तुम जानती हो तुम्हारे उस नोट की वजह से कितनी गलतफहमी हुई है। क्यों? ऐसा क्या हो गया? तुमने उसमें लिखा था कि हम जा रहे हैं। उसका मतलब ये है कि तुम और दिलशाद भी जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, हमसे मेरा मतलब था कि मैं और मेरी कुछ सहेलियां, वो जा रही। अरे हम लोग ईद की मिठाई बांटने गए थे और उसके बाद मैं अपनी सहेली के घर चली गई। बहुत वक्त के बाद मिले थे तो मैंने सोचा कि वहीं रुक जाती हूँ। उसने भी कहा कि सुबह चली जाना। बस तुमने ये बताना जरूरी समझा कि तुम ईद की मिठाई बांटने जा रही हो, लेकिन ये बताना मुनासिब नहीं समझा कि दिलशाद भी हॉस्पिटल में है, और ऊपर से कल से तुम्हारा फोन भी बंद है। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मुनीसा? घर का कोई इंसान हॉस्पिटल में और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं? हाँ तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा राहत? पहली बात तो ये कि दिलशाद भी इस घर की नहीं है, वो इस घर में सिर्फ रह रही। और दूसरी बात ये
कि इस उम्र में इंसान की आधी जिंदगी तो अस्पताल में गुजरती, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके पीछे अपनी जिंदगी हम खराब कर दें। अरे मैंने इस घर में उनको रहने के लिए जगह दे दी, इतना ही काफी है। मुनीसा तुम राहत बस, और कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम्हारे कान कौन भर रहा है, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं हो रहा कि तुम कान के इतने कच्चे निकलोगे कि एक दिन तुम अपनी बहन के ऊपर भड़क जाओगे। मुनीसा मैं तुम पे भड़क नहीं रहा हूँ, सिर्फ पूछ रहा हूँ। इसे पूछना कहते हैं राहत? आज इस तरह तुम मुझ पर गुस्से में चिल्ला रहे हो, कल को हाथ उठा दोगे, परसों ना जाने मुझे घर से बाहर निकाल दोगे। तुम्हें क्या लगता है राहत कि मुझे कुछ पता नहीं है कि तुम्हारे और उस हया के बीच में क्या चल रहा है? याद रखना राहत, ये हया एक मुसीबत के अलावा और कुछ नहीं है। ये एक दिन तुम्हारा दिल इस कदर तोड़ेगी कि तुम चाह के भी जोड़ नहीं पाओगे, तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी। ये क्या कर रही हो यार? देखो यार, मुझे जो देखना था मैंने देख लिया। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूं। यहां पे मेरी वजह से मेरी आपी और मेरी बड़ी अम्मी की जिंदगी में इतना सब कुछ हो गया, और मैं यहां नहीं थी क्योंकि मैं आपके साथ थी। मुझे यहां होना चाहिए था, और यहां पे आपको और मुनीसा भी को मेरी वजह से इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। अच्छा यही होगा कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं। मैंने आपको कई मेल्स कहे थे कि कल भेजने के लिए, यू स्टिल हैवंट सेंट इट टू मी। आप जानते हैं आई डोंट वर्क लाइक दिस। ऑफ कोर्स नॉट। इंसान भी ना आंखों से नींद गई नहीं कि नाक पे गुस्सा आके बैठ गया। तो याद रहे, मेल मी एवरीथिंग द नेक्स्ट हाफ एन आवर। हाँ ऑफ कोर्स मैं वेट कर रहा हूँ यहीं पर, मैं निकलूंगा यहाँ पर। वॉच यार, ये वॉच कहाँ गई? जुनैद एक सेकंड होल्ड कर। मेरे वॉच कहाँ पे रखती मैंने? नहीं नहीं तुम्हारी नहीं, मेरी वॉच कहाँ गई? हाँ नहीं वो तो मिल जाएगी, बट लिसन जुनैद, हाँ तो वहां चार एनीवे, हाँ उन्हें सारी डिटेल्स बता दी हमारी कंपनी के बारे में। हाँ तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें भेज दो। या वो वॉलेट कहाँ गया मेरा? मेरा जुनैद, तुम्हारा नहीं। हाँ वही से एक सेकंड जुनैद, वो ग्लेज कहां गया है? यू नो जुनैद, आई एम गोना हिट यू। तुम्हारे ग्लेज नहीं, मेरे ग्लेज। तुम बस काम पे ध्यान दो, जो मैंने कहा तुम वही करो। एब्सोल्युटली यू कैन। जुनैद मैं बाद में बात करता हूं।